दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल अनबॉक्सिंग बादशाह। दोस्तों आज का वीडियो अलग है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में अगर गैस सिलेंडर लीकेज होता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। रिसेंटली मेरे घर में गैस का लीकेज हो रहा था, एलपीजी सिलेंडर जो है वहाँ से, और मुझे पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो मैं चेक कर रहा था तो जो गैस का जो बर्नर है वो ऑन करने के बाद भी और नीचे रेगुलेटर ऑफ करने के बाद भी वो बर्नर में से गैस आती थी, फ्लेम जलता था। तो ये क्यों हो रहा था? रेगुलेटर तो नॉर्मल था। तो इसका एक इजी तरीका है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आप सिलेंडर के जो यहाँ पे बीच में जो होता है ना नॉब निकालने के बाद, इस पर आप पानी डाल के देखिए। पानी डालने के बाद ये बुलबुले आ जाएंगे, बबल्स आ जाएंगे। तो बबल से आपको पता चलेगा कि यहाँ से लीकेज हो रहा है, क्योंकि गैस जो होती है वो इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है। तो पानी के जो बबल आते हैं ना, तो उससे आप पता चल सकता है कि आपका गैस लीकेज हो रहा है। अगर लीकेज नहीं होता तो ये बबल्स नहीं आते थे। तो ये आसान सा ट्रिक है, इसमें कोई डेंजर नहीं है। आप हल्का थोड़ा सा पानी डाल के देख लीजिए, बबल आपको दिखे तो समझ लेना कि ये गैस आपका सिलेंडर जो है वो लीकेज हो रहा है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो इजी है इसके, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ ये क्यों होता है। देखिए ये जो बीच में जरा काला जो रबर होता है, रिंग होता है, वो काफ़ी इस्तेमाल करने के बाद है ना वो थोड़ा डैमेज हो जाता है। तो डैमेज होने की वजह से ना गैस लीकेज हो जाती है। ये बबल आप देख सकते हैं, मतलब गैस लीकेज हो रही है। और इसका सॉल्यूशन भी इजी है। आप आपके पास अगर गैस सिलेंडर पड़ा होगा तो उसका रबर निकाल के भी आप इसमें लगा सकते हैं, या फिर नया रबर भी आप लगा सकते हैं सिलेंडर में। अगर आपको डेंजर लगता हो तो आप गैस टेक्नीशियन को आप बुला के उनसे करवा सकते हैं। ये तो मैंने खुद ही किया था, इजी था, गैस टेक्नीशियन से करवा सकते हैं। वो चार्जेस नहीं लेंगे, ज़्यादातर चार्जेस लेते नहीं हैं, और ये सिंपल सा है। तो वीडियो का मकसद यही था कि आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं आपका सिलेंडर लीकेज है कि नहीं। तो ये एक तरीका है, आप पानी डाल के देखिए, बाद में आप पानी को पोंछ भी सकते हैं कपड़े से। तो रेगुलेटर तो ठीक है, लेकिन सिलेंडर बराबर नहीं है, वहाँ से लीकेज हो रहा है। ये देखिए, क्योंकि गैस जो दिखती नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो काला जो रबर है ना वो बराबर नहीं है, ख़राब हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ से गैस लीकेज हो रही है। तो आप खुद ही ठीक कर सकते हैं या टेक्नीशियन से भी करवा सकते हैं। तो गैस कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हैव अ नाइस डे।